रावण पुत्र मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मपाश फेंका। हनुमान जी चाहते तो बड़ी सरलता से उसे निष्प्रभाव कर सकते थे, लेकिन मेघनाथ को ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वर का मान रखने व रावण को सुधारने का एक प्रयत्न करने के लिए वे स्वयं ही बनने का स्वांग रचते हुए मेघनाथ के साथ साथ रावण की सभा में चले गए। हनुमान जी इतने करुणावान है कि उन्होंने अपने इष्ट प्रभु श्री राम के परम शत्रु राक्षस राज रावण के हित की भी चिंता की। सभा में भी अपने स्वभाववश पूर्ण निर्भय रहते हुए वे रावण को समझाते हैं कि तुम्हारी भी आत्मा शुद्ध ही है, किंतु अहंकार वश तुम क्यों अपने पतन की ओर बढ़ रहे हो। यदि कल्याण चाहते हो तो माता सीता को ससम्मान प्रभु श्री राम को सौंप दो एवं उनके चरणों में गिर पड़ो। मेरे श्री राम अत्यंत दयालु है, वे तुम्हें भी क्षमा कर देंगे, अन्यथा इस संसार सागर से तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जन्म जन्मांतर तक तुम्हें मोक्ष न मिल सकेगा।